हेलो गाइस, आज की वीडियो में एक और पावरफुल आरसी कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि आर्मा क्रेटोन 6S खरीदने के लिए। तो देखो गाइस, खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका बॉक्स देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। ये कार 1:8 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। इसको मैंने 95,000 रुपीज में खरीदा और बैटरी भी इसकी फिर अलग से खरीदनी पड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। आज मैं आर्मा क्रेटोन 6S की फाइट कराने वाला हूँ सुजुकी जिम्नी के साथ, एल्टोरो आरसी कार के साथ और दोनों टाइफून आरसी कार के साथ। चलो गाइस फटाफट से अनबॉक्स करते हैं आर्मा क्रेटोन 6S को, देखते हैं इसके अंदर कितनी पावर है। यहाँ पर इसके सारे के सारे मेन फीचर्स दिए गए। ये इसका रिसीवर है, ये इसका डिजिटल सर्वो है और ये इसका ESC है। इतनी पावरफुल मोटर भी इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर 2050 KV की ब्रशलेस मोटर दी गई है। तो इस फटाफट से बॉक्स के अंदर से इसको मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। इसका बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे इसके कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह दिए गए हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार फटाफट से निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इसका स्पैनर है, स्पैनर का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है और कुछ एलेंकी वगैरह भी इसके साथ दी गई है। ये इसकी यूजर गाइड है, यूजर गाइड देखो यार कितनी ज्यादा मोटी दी गई है। तो यहाँ पे इसके कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं और कुछ स्टिकर्स वगैरह भी दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो यार एक स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इसका एक स्पेशल गियर है। ये गियर को मैंने अभी तक गाइस कार के अंदर नहीं लगाया। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे को लगता है 170 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यहाँ पर इसके कुछ रबर पैडिंग वगैरह दी गई है। चलो गाइस फटाफट से सबसे पहले इसका मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। ये रिमोट देखो यार स्पेक्ट्रम की तरफ से आया है। यहाँ पे ए और बी का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे तीन नॉब्स मिलते हैं, स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हो। ये इसकी स्टीयरिंग है। पीछे की तरफ देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे इसकी स्पीड कंट्रोल भी दी गई है, जैसे कि इसको 50%, 75% और 100% पे भी चला सकते हो। दोस्तों अभी निकालते हैं हमारी आर्मा क्रेटोन 6S को। काफी ज्यादा भारी भरकम आरसी कार है। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। आज देखते हैं गाइस क्या ये कार सुजुकी जिम्नी को फाइट में हरा पाएगी या फिर नहीं। भाई साहब देखो यार क्या ही तगड़ी कार है, बिल्कुल JLB चीता से थोड़ी बहुत ये मैचिंग वाली मेरे को लग रही है। के व्हील्स देखो कितने ज्यादा बड़े दिए गए। स्लेज के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एयर डाली गई है। यहाँ पे क्रेटोन की बैचिंग दी गई है, यहाँ पे आर्मा की बैचिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे इतना बड़ा एक स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। ये कार के अंदर भी देखो पीछे की तरफ कोई भी व्हीली बार देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे इसके सस्पेंशन है, पूरी तरीके से ऑयल फील्ड सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया। नीचे की तरफ एल्यूमिनियम अलॉय इसके अंदर दिया गया है कम्प्लीटली। ये मेटल की चासिस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अभी चलो अंदर के पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखो यार इस तरह का एक रॉड देखने को मिल जाता है। ये रॉड जो है इसके पार्ट्स को सेफ रखता है अगर ये कार क्रैश वगैरह भी होती है तो। यहाँ पर इसका ESC है, फोमा का ESC इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। ये इसकी ब्रशलेस मोटर है। इसका साइज देखो गाइस बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों को बैटरी लगानी पड़ती है, आराम से इसके अंदर दो बड़ी बैटरी लग जाएगी। और इसके सस्पेंशन आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्मूथ है। मैं इसको जितना प्रेस कर रहा हूँ ये कार उतनी ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है। तो ये रही इसकी बैटरी। इसी तरह की बैटरी हम लोगों ने ट्रैक्सस XMAX में भी डाली थी। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगर एल्टोरो इसके साइज की बात करूं तो गाइस देख सकते हो एल्टोरो आर्मा के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज की लग रही है। और इन दोनों के व्हील्स भी देखो यार, इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े साइज के, पर इसके व्हील्स बहुत ज्यादा हल्के फुल्के हैं क्योंकि इसके अंदर BKT के व्हील्स दिए गए और ये पूरी तरीके से कॉपर हेड रबर के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अभी चलो गाइस कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले आर्मा क्रेटोन 6S को टेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इसके अंदर ऐसी आवाज आने लगती है। ये कार रिमोट से पेयर होने की कोशिश कर रही है। चलो अभी ये रिमोट से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। इसका रिमोट काफी ज्यादा टेक्टाइल है और स्टीयरिंग इसकी कुछ ज्यादा ही टर्न हो रही है। ओ भाई पावर इसके अंदर भी बहुत ज्यादा दी गई है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसके अंदर फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ तो कार इस तरह से पलटने लग रही है क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्सस की तरह ऑटो राइड फीचर नहीं देखने को मिलता है। ये कार को चलाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत अभी मेरे को पड़ने वाली है। देखो ये कार भी बहुत परफेक्ट तरीके से व्हीली कर सकती है। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ मॉडिफाइड टाइफून आरसी कार को। जब से इसके अंदर मैंने 3S बैटरी डाली है ये कार की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये कार भी देखो यार आर्मा क्रेटोन की तरह व्हीली भी कर सकती है। अभी चलाते हैं एल्टोरो आरसी कार को। पिछली बार ट्रैक्सस XMAX ने इसकी हालत खराब कर रखी थी यार, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से अपग्रेड कर दिए, तब से ये कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। क्या ये कार आज क्रेटोन के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। ओके गाइस अभी मैं रेस कराने वाला हूँ ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा फास्ट। दोनों ही कार्स यहाँ पे मिली मार के आगे जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखो यार मॉडिफाइड टाइफून आगे निकलती थी पर क्रेटोन ने इसको काफी आसानी से ओवरटेक कर दिया है और क्रेटोन बहुत ज्यादा आगे निकल रही है। क्लियरली यहाँ पर आर्मा क्रेटोन 6S जीत चुकी है।
अभी देखते हैं क्या ये न्यू टाइफून आरसी कार आर्मा क्रेटोन को रेस में हरा पाती है या नहीं। शुरुआत से ही आर्मा क्रेटोन बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। आसपास तो छोड़ो यार, दूर दूर तक भी ये न्यू टाइफून आरसी कार नजर तक नहीं आ रही है। क्लियरली आप देख सकते हो आर्मा क्रेटोन ने न्यू टाइफून को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से हरा दिया है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार न्यू टाइफून इतना जल्दी हार जाएगी आर्मा क्रेटोन से रेस में। नो डाउट ये दोनों ही आरसी कार्स ऑफ रोड में बहुत बढ़िया तरीके से चल सकती है। देखते हैं गाइस आर्मा क्रेटोन को इन दोनों में से ऑफ रोड रेस में कौन सी कार हरा पाती है। जिमनी के ऊपर से एल्टोरो निकल गई है। अब देखो यार यहाँ पे मेन जो मुकाबला है एल्टोरो वर्सेस आर्मा क्रेटोन के बीच में। आर्मा क्रेटोन सच में यार ऑफ रोड में भी बहुत तेजी से चल सकती है। भाई ये तो निकल गई यार यहाँ से रॉकेट की तरह ऑफ रोड में। अब कराते हैं पुश बैक इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। एल्टोरो क्रेटोन के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज की है, पर क्रेटोन देखो यार पीछे के व्हील पे काफी सही तरीके से ग्रिप बना लिए और धीरे धीरे करके एल्टोरो को इसने पीछे ढकेलना चालू कर दिया और एल्टोरो के सामने के व्हील्स को देखो यार पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया। क्लियरली यहाँ पर आर्मा क्रेटोन जीत चुकी है पुश बैक में। अब पुश बैक कराते हैं सुजुकी जिमनी वर्सेस क्रेटोन के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीत पाती है। शुरुआत से ही क्रेटोन भारी पड़ती हुई लग रही है सुजुकी जिमनी के ऊपर। देखो गाइस अभी तक तो मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर भी नहीं दिया है, इसने सुजुकी जिमनी को पूरी तरीके से हरा के रख दिया है पुश बैक में। यहाँ पे सुजुकी जिमनी पूरी कोशिश कर रही है इसके सामने टिकने के लिए, पर क्रेटोन क्रेटोन है भाई। अब कराते हैं टोगोफोर, ये दोनों टाइफून्स को मैंने एक तरफ बांध दिया है और क्रेटोन को एक तरफ बांध दिया है। देखते हैं क्या ये दो टाइफून मिलकर ये एक क्रेटोन आरसी कार को हरा पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर टाइफून ने तो भाई तूफान मचा के रखा है, पर क्रेटोन देखो यार ये तूफान के अंदर से निकल के बाहर आ चुकी है और दोनों को घसीट के लेके जा रही है। क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो आर्मा क्रेटोन 6S बहुत ज्यादा पावरफुल है ये दोनों कार्स के मुकाबले में भी। दोनों टाइफून्स को इसने धूल में मिला के रख दिया है भाई। सच में ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों टाइफून्स मिलकर देखो यार आर्मा क्रेटोन की क्या हालत कर चुकी है, इसके ऊपर तो भाई मिट्टी मिट्टी गिर चुकी है। अभी आर्मा क्रेटोन की पूरी पावर टेस्ट करके देखते हैं गाइस। आर्मा क्रेटोन को मैंने एक तरफ बांध दिया है और ये चारों आरसी कार्स को दूसरी तरफ बांध दिया है। देखते हैं गाइस ये सुपर पावरफुल चारों आरसी कार्स मिलकर सिंगल क्रेटोन को हरा पाती है। यानी मेरे को पहले तो लगा था कि गाइस क्रेटोन हार जाएगी, पर क्रेटोन का जैसे ही मैंने फुल थ्रॉटल दिया है देखो गाइस ये सिंगल क्रेटोन चारों आरसी कार्स को खींच के लेके जा रही है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, क्रेटोन सच में गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके व्हील्स देखो एक्सटेंड होकर काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और इसको इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है। मेरे को तो एक बार में लगा था कि यार क्रेटोन हार जाएगी, पर क्रेटोन इन सब की बाप निकली यार। देखो मिट्टी में मिला दिया है इसने चारों के चारों आरसी कार्स को यहाँ पर। अगर इसके पीछे मैं और दो आरसी कार्स भी बांध दूं ना गाइस तो ये सभी को हरा के रख देगी। इतनी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है क्रेटोन की मोटर। आने वाले वीडियोस में मैं इसकी फाइट जरूर से ट्रैक्सस एक्स मैक्स के साथ और ट्रैक्सस स्लेट के साथ कराऊंगा गाइस। तब देखते हैं आर्मा क्रेटोन वो दोनों आरसी कार्स के सामने टिक पाती है या नहीं। आर्मा क्रेटोन के ऊपर भी देखो कितनी ज्यादा मिट्टी गिर चुकी है, इससे ये पता चलता है कि ये चारों आरसी कार्स फुल पावर लगाकर भी इसको हरा नहीं पाए हैं। अब यहाँ पे वेट पुल टेस्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले एल्टोरो को टेस्ट करेंगे, इसके पीछे मैंने स्केटबोर्ड बांध दिया है। देखते हैं गाइस क्या एल्टोरो मेरा वेट खींच के लेके जा पाएगी या फिर नहीं। एल्टोरो पूरी कोशिश कर रही है, इस तरह से वाइब्रेट भी होने लग रही है, पर ये मेरा वेट नहीं खींच पा रही है। अब देखते हैं मॉडिफाइड टाइफून आरसी कार मेरा वेट खींच पाएगी या फिर नहीं। मॉडिफाइड टाइफून ने जस्ट थोड़ा सा खींचा है। उसके बाद में देखो ये कार भी पूरी कोशिश कर रही है फुल पावर लगाकर, पर ये कार भी यहाँ पर फेल हो चुकी है। देखते हैं क्या सुजुकी जिमनी मेरा वेट खींच पाएगी या फिर नहीं। सुजुकी जिमनी सच में गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो यार इसने तो काफी आसानी से मेरा वेट खींच लिया है, पर इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो पड़ चुकी है। अब फाइनल में मैं टेस्ट करूंगा आर्मा क्रेटोन को, देखते हैं गाइस क्या ये कार मेरा वेट खींच पाएगी या फिर नहीं। सरप्राइजिंगली देखो यहाँ पर अभी तक मैंने फुल थ्रॉटल भी नहीं लिया है, ये कार बहुत आराम से मेरा वेट खींच के लेके जा रही है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा मेरे को लग रही है। एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई ज्यादा यार। यहाँ पे भी देखो गाइस सरप्राइजिंगली क्रेटोन मेरा वेट खींच के लेके जा रही है। अगर इसके पेस में कोई दूसरी कार होती बिल्कुल भी नहीं खींच पाती मेरा वेट। ये सभी कार्स की अभी मैं हिल क्लाइंबिंग टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। देखते हैं कौन सी कार यहाँ पर ऊपर चढ़ पाती है। बहुत मुश्किल चढ़ाई है यहाँ पर। पहले मैंने मॉडिफाइड टाइफून को टेस्ट किया, मॉडिफाइड टाइफून पहले तो आगे निकल गई थी पर ये झाड़ियों में आकर फंस चुकी है। फिर मैंने टेस्ट किया है सुजुकी जिमनी को, सुजुकी जिमनी सरप्राइजिंगली देखो और आधी चढ़ाई तो कर चुकी थी, उसके बाद में इसके व्हील्स यहाँ पर फिसलने लगे। अभी मैंने टेस्ट किया है आर्मा क्रेटोन को, देखते हैं गाइस क्या ये कार ऊपर चढ़ाई कर पाएगी या फिर नहीं। ये कार यहाँ से चढ़ के निकल चुकी है गाइस। आर्मा क्रेटोन यहाँ पे वापस से जीत चुकी है।
तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये चारों आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है जियान, आदित्य, जीवान दास, साध, मनोहर, एमडी चांद, कुबेर, कार्तिक, रौनित, मिहिर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।